नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आजकल एक नया ट्रेंड है कि हर बच्चा रियलिटी शोज़ को देखता है, फिर बड़े बड़े टीवी शोज़ को देखता है और फिर उसका एक सपना होता है कि उन्हीं की तरह वो भी स्टार बने। और ऐसी ही एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं जो बचपन से गा रही है, बहुत जगह गा चुकी हैं और अब उनका भी ड्रीम है एक सिंगिंग स्टार बनने का। हमारे साथ हैं जे माही नाम से काफ़ी देर तक प्रचलित रही शालिनी। तो शालिनी जम्वाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शालिनी जी, बताइए कि कितने साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया, फिर क्या क्या आपने पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ तक अचीव किया और कैसा रहा आपका अब तक का सिंगिंग का करियर? स्टार्टिंग इसकी कहें तो उसमें मैं कुछ ईयर्स का नहीं बोल सकती, बिकॉज मेरे मॉम डैड को म्यूज़िक बहुत पसंद है, सो वो घर में गाते थे। ये नहीं सोचा था कि मैं पहले प्रोफेशनली सिंगर बनूंगी, बहुत मतलब लाइक करती थी, बट धीरे धीरे समझ में आया कि भाई अब इतनी देर से सिंगिंग लाइक भी करनी हो, पसंद है। तो फिर कहाँ आपने पहली बार गाया, फिर कैसे कैसे स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ आप पढ़े, तो कहाँ कहाँ गाया? सबसे पहले मैंने अपने स्कूल में ही गाया था, यहाँ पे मैं पढ़ी हूँ स्नातन स्कूल में, स्नातन विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल में, और उसके बाद आर्य कॉलेज, फिर मास्टर तारा सिंह कॉलेज में। कॉलेजेस में जैसे टीचर्स के साथ यूथ फेस्टिवल में एंटर करना, तो बस उससे स्टार्टिंग हुई मेरी। फिर अब अपने पंजाबी गाने भी आए हैं। तो कौन कौन सा गीत आपका अब तक आ चुका है? अभी तक मेरे अपने पंजाबी सॉन्ग आए हैं, एक है जिंद जी, जो कि अपना अमर ऑडियो से, अमर ऑडियो कंपनी से रिलीज हुआ है, चतर सिंह परवाना जी का है जिंद, और एक है इनोसेंट लुक, वो देविंदर कैंट जी का लिखा है और दीप ढालीवाल जी का। तो अपने गीतों में से किसी एक गीत की कुछ लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? जी जरूर जी, प्लीज। ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਸਦੀ ਆ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਜੇ ਫੱਬੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੁੱਕ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਲੁੱਕ ਵੀ ਕਿਊਟ ਹੈ ਜੇ ਫੱਬੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੁੱਕ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਲੁੱਕ ਵੀ ਕਿਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਲਾਮ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੁੰਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸਲਾਮ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੁੰਡਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਅੱਤ ਮੁੰਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਅੱਤ ਮੁੰਡੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤਾਂ ਚਲੀਏ ਆਪਕੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਔਰ ਹਮ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰੇ, ਆਈਏ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। एक बार फिर से हम अपनी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे स्टूडियोज में, वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियो में है जे माही नाम से विख्यात सिंगर जिनका नाम है शालिनी। तो शालिनी, किन किन सिंगर से आप बचपन में प्रभावित रही, जिनको सुनकर आपको लगता था कि काश मैं भी किसी दिन इनकी तरह ही बनूं? पंजाबी में कहा जाए तो मैं सुरेंद्र कौर जी को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ जी, और फिर नसीबो जी को, मतलब
वो गाते हैं कि मतलब दिल को, उनकी आवाज़ दिल को छू जाती है. जी सो मैं स्टार्टिंग से उनको सुनती आ रही हूँ. आपने जितने भी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत अप्रिसिएशन मिली हो या एक यादगार बन के रह गए हों वो लम्हे? वो देखा जाए तो मैं मनमोहन सिंह मेले जी पे, वहाँ पे गई थी उनके मेले जी. पे. सो वहाँ पे वो मेरा फर्स्ट था. वहाँ पे जैसे मैंने सिंगिंग की जी, अभी स्टार्टिंग थी मेरी, तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरी, मतलब काफ़ी लोग मेरे पास आए, बट अभी मुझे कोई जानता नहीं था. और वो चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स आए थे. ये कहाँ पे हुआ था? ये किसी, मुझे वो विलेज का नाम तो नहीं पता, बट मनमोहन सिंह मेला था ये, उनके यादगार में जो मेला चलता है. तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कन्वर गरेवाल जी वो भी आए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. ओके तो अभी आप स्टडी भी कर रहे हैं या कहाँ तक आप स्टडी कर चुकी हैं? हाँ जी, मैं म्यूजिक एमए मैंने की है और अब आगे पीएचडी का भी साथ साथ में कर रही हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. यदि आज के टाइम में अगर सिंगर पढ़ा लिखा बहुत हो तो बहुत बढ़िया है. अब ये एमए म्यूजिक हो गई तो आप बहुत जल्दी ये डॉक्टर शालिनी हो जाएंगी, यानी कि जो सुरों के थ्रू लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर, क्योंकि मीठी या कड़वी दवाइयाँ जो है वो खाने की ना ही नीड पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है. सुरों के थ्रू अगर लोग, उनका डिप्रेशन चले जाता है, उनका तनाव चले जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है और अच्छा फील करते हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर देम. तो क्या आपका एम है लाइफ में आने वाले दिनों में? एक सिंगर का मेन एम तो यही होता है कि वो एक अच्छा सिंगर बने, गुड सिंगर बने और पूरे वर्ल्ड में नाम कमाए. सो वो मेरा भी एम यही है. तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, ताकि आप अपने एम में सफल हों. और ये भी आप बता दीजिए कि आप फ्री टाइम क्या करती हैं? जैसे और लोगों के शौक़ होते हैं कि खाली समय में वो गा लेते हैं, गुनगुला लेते हैं, या बहुत से हम जैसे लोग बाथरूम सिंगर्स भी होते हैं, तो आप तो ऑलरेडी सिंगर हो, फुल फ्लैश सिंगर, तो फिर आपके शौक़ क्या होंगे? फ्री टाइम में वो ही जैसे नॉर्मल लड़कियां करती हैं, घर में मॉम डैड की हेल्प करनी. फिर मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ, नॉवेल्स को लेकर. किनको ज़्यादा पढ़ते हो आप? बुल्ले शाह जी की काफ़ी. अच्छा, तो बस मॉम, तो उनकी काफ़ी भी कोई थोड़ा सुनाना चाहोगे आप? sure. दो लाइनें. हाँ जी, प्लीज़. उठे गए गवांढोया, हो रब्बा होने की करिए. उठे गए गवांढोया, हो रब्बा होने की करिए. डाड़े कले जे बले बले उठे दे, डाड़े कले जे बले बले उठे दे. उठे गए गवांढो यार, हो रब्बा होने की करे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो एक बार फिर से हम वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी देते हैं आने वाले दिनों के लिए. और जाते जाते आपसे पूछते हैं कि बॉलीवुड में आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है, प्लीज़? बॉलीवुड में मेरे लता जी, आशा जी, जी ये मेरे फेवरेट सिंगर, इनको मैं स्टार्टिंग से सुनती आई हूँ. दैट्स वेरी गुड. तो एक बार फिर से जाते जाते अब जितने भी हमारे दर्शक है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या खास संदेश देना चाहोगे? उनके लिए खास संदेश यही होगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड चलो बाकी जो एंड में क्या है ये अगली बार बताएंगे. देखते रहिए वॉइस ऑफ एशियंस चैनल और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिलहाल शालिनी, हमारी एक यहाँ पे परंपरा है कि जो भी हमारे पास से आता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली अपना हॉरोस्कोप दिखाने आता है या फिर हमारे पास एज इंटरव्यू देने आता है या कोई भी गेस्ट आता है, उसको हम एक नवग्रह दिव्या वनस्पति दल भेंट करके उसका सम्मान करते हैं. तो ये आपके लिए है. थैंक यू. और हमें विशेष समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो दर्शकों, आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको यह इंटरव्यू. अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल
वॉइस ऑफ एशियंस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स दिखाते रहें। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरव्यू या न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।